नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय ऐप के बारे में जो चाइनीज ऐप के विकल्प के रूप में मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने अभी अभी चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया है। तो दोस्तों उन चाइनीज ऐप के विकल्प के रूप में इंडिया में बहुत सारे ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको उन ऐप के बारे में बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 59 जो ऐप बैन किए हैं उनकी लिस्ट इधर आप देख सकते हैं। उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेरिड, लाइकी, हेलो ऐप, ड्यू बैटरी रिकॉर्डर, क्लब फैक्ट्री, जेंडर जैसी, यूसी न्यूज, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बैन कर दिए जिनका इस्तेमाल इंडिया में बहुत होता था। तो दोस्तों इन ऐप के विकल्प के रूप में इंडिया के बहुत सारे ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करके अपने डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइनीज ऐप टिकटॉक की जगह दोस्तों आप चिंगारी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ऐप है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं इंडिया में जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला तो आप चिंगारी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मित्रो ऐप, दोस्तों दूसरा आप मित्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया ऐप है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और तीसरा बोलो इंडिया टिक टिक, दोस्तों बोलो इंडिया टिक टिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हेलो, हेलो ऐप की जगह पर आप रोपोसो इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया ऐप है जिसका इस्तेमाल आप हेलो ऐप के विकल्प के रूप में कर सकते हैं। दूसरा ऐप दोस्त लाइकी, लाइकी की जगह आप शेयर चैट, जो मेड इन इंडिया है, शेयर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकी के विकल्प के रूप में शेयर चैट मौजूद है, बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगला आता है यूसी ब्राउजर। दोस्तों यूसी ब्राउजर की जगह आप जियो ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेरिड और जेंडर की जगह पर आप जियो स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर आल फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है फाइल बाय गूगल, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों ब्यूटी प्लस, स्वीट सेल्फी और सेल्फी सिटी, इसकी जगह पर आप इंडियन सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटिंग ऐप है, इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा इसकी जगह B612 ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा, इसका भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इधर देख सकते हैं 500 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अगला आता है कैम स्कैनर, कैम स्कैनर की जगह पर आप कागज़ स्कैनर, बेस्ट इंडिया का डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है जिससे आप अपने कागज़ों का स्कैन करके रख सकते हैं, ये भी इंडियन ऐप है जो विकल्प के रूप में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों अडोब स्कैनर, अडोब स्कैन का भी इस्तेमाल आप कागज़ों को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं। कैम स्कैनर की जगह इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आता है दोस्तों क्लब फैक्ट्री। दोस्तों क्लब फैक्ट्री की जगह पर इंडिया में बहुत सारे ऐप हैं
जिनका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्नैपडील। स्नैपडील भी एक अच्छा विकल्प है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है दोस्त क्लीन मास्टर, ड्यू क्लीनर और वायरस क्लीनर। इसकी जगह पर आप अवस्थ एंटीवायरस स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया ऐप है, जिसका इस्तेमाल आप फ़ोन को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं। अगला दोस्तों जियो सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला आता है यूसी न्यूज। यूसी न्यूज की जगह पर आप इनसॉर्ट न्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज ऐप है, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से भी कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों डेली हंट, जो सभी लोग यूज भी करते होंगे, बहुत बढ़िया ऐप है, न्यूज ऐप बहुत बढ़िया ऐप है, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। डेली हंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत और भी बहुत सारे न्यूज ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी न्यूज का इस्तेमाल, और भी ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प के रूप में बहुत सारे ऐप मौजूद हैं, जैसे कि जागरण, दैनिक भास्कर, बहुत सारे ऐप मौजूद हैं। और दोस्तों ये ऐप पहले से ही मौजूद हैं, ये इंडियन ऐप प्ले स्टोर पर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल कम करते थे, चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब चाइनीज़ ऐप जब बैन हो गए तब हमें को इनकी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं चाइनीज़ ऐप के अल्टरनेट बहुत सारे इंडियन ऐप हैं जिनका हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐप हैं जो इंडियन ऐप हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छे ऐप हैं, बढ़िया ऐप हैं। तो दोस्तों आप भी उन चाइनीज ऐप की जगह इंडियन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई और सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। जो और भी इंडियन ऐप जिसके बारे में आपको जानना हो, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।